नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की दरबार में कांग्रेस और बसपा के विधायक पहुंचे, जिसके बाद से बिहार के सियासत में बवाल मच गया। हालांकि इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच बसपा विधायक जमा खान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जो बातें हैं वो सिर्फ और क्षेत्र के विकास को लेकर हुई, क्योंकि क्षेत्र में जो विकास के लिए मैंने रोड मैप बनाया उसको लेकर बातचीत करने मैं वहां पर पहुंचा था, तो इसके सियासी मायने ना निकाले जाए। क्या कुछ कह रहे जमा खा, पहले आप सुनिए। चर्चा के नाते हम लोग आए थे और हमारे यहाँ जो शहाबाद है, आप जानते हैं कि किसान वहाँ सारे किसान परेशान हैं, धान का कटोरा है और जो सरकार इनकी है। हम लोग मांग करने आए हैं कि हमारे यहाँ कैमूर जिला और सासाराम ऐसी जगह है जो सारे किसान परेशान हैं, उनका धान अभी भी खलिहानों में सड़ रहा है। ये लोग जरूर जमीन पर कागज में कह दिए हैं काम हो रहा है, किसान की जो है धान बिक रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे किसान परेशान हैं, क्योंकि आए थे बीमार थे। हम लोग बात रखे, प्रेशर उतना नहीं किए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आपके द्वारा मांग करते हैं कि वहाँ किसान की हालत देखा जाए, खरीदारी शुरू हो। उसी के साथ मेरे ध्यान जमाने का दौरा यहाँ के सेंचुरी के बारे में सारा विकास ठप है। नवा रोड है, सिंचाई व्यवस्था है, नवा नेटवर्क है, कुछ भी नहीं है। मैं मांग किया हूँ, मांग पहले भी किया था, आज भी कह रहा हूँ, वहाँ विचार किया जाए और नेटवर्क की व्यवस्था किया जाए, टावर गड़े, सिंचाई की व्यवस्था हो। और सेंचुरी के बहाने जो रोड काम नहीं हो रहा है, उस सेंचुरी का बहाना न किया जाए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बगल में है, तमाम विकास होता है। मेरे अधौरा प्रखंड विकास नहीं होता, विकास को करना होगा इनको, नहीं तो हम बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में रोड पर आने के लिए बाध्य होंगे। सारी जिम्मेवारी यहाँ की सरकार की। वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने आए थे, ये बात तो कभी आप मतलब सरकार से भी आप ये बात कह सकते थे, क्योंकि दो दो मुख्यमंत्री उनसे भी कह सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंके गणित का कुछ खेल है? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, बहन जी नेतृत्व में रहता हूँ, उनको हमारे नेता हैं और कुछ नहीं है। बस जो ये सरकार में है, यहाँ सरकार है, मैं डिमांड करूंगा, लड़ूंगा भी। आपको बता दें कि आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के दरबार में कांग्रेस और बसपा के विधायक पहुंचे। डेढ़ घंटे तकरीबन ये बातचीत चली, जिसके बाद से ये लगातार बिहार की सियासत में सवाल भी उठ रहा था कि आखिर डेढ़ घंटे के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, मुलाकात में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई। हालांकि इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे थे और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि जेडीयू अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत करना चाहती है, जोड़ तोड़ और छोड़ वाली राजनीति भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो इन सब के बीच अब विधायक जी ने सफाई देते हुए कहा है कि सिर्फ क्षेत्र के विकास की बातें थी। हालांकि अब क्षेत्र के विकास की बातें हो तो वो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के दरबार क्यों पहुंचेंगे, तो ये भी सवाल जो है वो बिहार की सियासत में गूंज रहा है और राजनीति में इस बात की चर्चा खूब हो रही है। हालांकि आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से मीटिंग के बाद की तस्वीरें हम आपको वहां पे दिखा रहे हैं, जब जो विधायक जी हैं वो पहुंचते हैं और उसके बाद घंटों मुलाकात होती है। लगातार अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू में विधायक जी शामिल होने वाले। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए तो कह दिया कि क्षेत्र के विकास की बातें थी, राजनीति से इसको जोड़कर ना देखा जाए, सियासी मायने ना निकाले जाए। छोड़ जाते हैं आपको मुलाकात वाले वीडियो के साथ।